हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही इजी रेसिपी जिसका नाम है खोया पनीर, और ये आपको हर रेस्टोरेंट में मिलते हैं और इसे आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं, और मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खोया पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, 120 ग्राम कसा हुआ खोआ, 1 कप दूध, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, आधा इंच कसा हुआ अदरक का टुकड़ा, 4 पीस क्रश्ड लहसुन, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून तेल और खड़े गरम मसाले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम खोया पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक नॉनस्टिक पैन, और इसमें हम डालते हैं तेल, और साथ ही साथ इसमें हम बटर भी डाल देते हैं जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल किया है। और जैसे ही हमारा बटर और तेल हल्का गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा, और जीरा को हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं सारे गरम मसाले। तो हमने यहाँ पे बड़ी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल किया है, और इसे हम तेल के संग हल्का सा भून लेते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर रख कर तब तक भून लेंगे जब तक कि ये हल्के ब्राउन कलर के ना हो जाएं। ये देखिए हमारे प्याज पूरी तरीके से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं क्रश लहसुन और कसा हुआ अदरक भी डाल देते हैं, और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए टमाटर, और अब हम टमाटर को तब तक भून लेते हैं जब तक कि हमारे टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाएं। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी समय इसमें हम डाल देते हैं कसा हुआ खोआ, और खोआ डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं जब तक कि तेल मसालों से अलग ना हो जाए। हमने खोया पनीर बनाने के लिए भुने हुए खोए का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो खोए को थोड़े से घी के संग भूनकर भी इसे डाल सकते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट भुनने के बाद ये देखिए मसालों में से तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसी समय इसमें हम डालते हैं पनीर के क्यूब्स। आप चाहें तो पनीर को किसी भी शेप में काट सकते हैं, हमने यहाँ पे इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट किया है। और इसी समय हम इसमें सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो थोड़े से लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, हमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालना है, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए, और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, और सभी मसालों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है जिससे कि पनीर हमारे टूट ना पाए। और हमने यहाँ पे पनीर को फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब लास्ट में इसमें हम डालते हैं दूध, और दूध डालने के बाद इसे हम जब तक कि उबाल ना आ जाए तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। ये देखिए हमारा जो खोया पनीर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, और हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल मीडियम थिक है। यदि आप थोड़ा पतला या और गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो इस हिसाब से दूध की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा पानी भी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा जो खोया पनीर है वो बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप रोटी, नान, पराठा या राइस के संग भी सर्व कर सकते हैं। खोया पनीर बनाना बहुत आसान, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे सुझाव लिख के जरूर दीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूजडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।